भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित दो मरीज मिले, एक 66 और एक 46 साल के है मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दोनों मरीजों की बेंगलुरु में हुई पहचान। संपर्क में आने वालों की पहचान कर की जा रही टेस्टिंग। दक्षिण अफ्रीका से 27 नवंबर को भारत आए दोनों मरीज 5 दिनों से थे क्वारंटीन। सरकार ने कहा ओमिक्रॉन वेरियंट से पैनिक होने की जरूरत नहीं। हमारे देश में दो ओमिक्रॉन वेरियंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो दो केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस, जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं, उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा की अपनी रैली में अखिलेश यादव पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। आ रहे हैं अखिलेश नारे पर बोली प्रियंका, सीएए एनआरसी किसानों की हत्या के दौरान कहां थे अखिलेश? मैं पूछना चाहती हूं, सीएए और एनआरसी के कानून बने, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बिजनौर गई, बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। दूसरे घर में गई, एक लड़का सुलेमान मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अखिलेश जी आए? उम्भा में नरसिंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनको गोली मारी गई, क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया, क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खेरी में नरसिंहार हुआ, जैसे मैंने कहा, आप सब ने देखा वो वीडियो, जीप के नीचे किसानों को कुचला गया, क्या अखिलेश जी आए? तो आप चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? ललितपुर की रैली में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर उठाया सवाल, कहा ये मुख्यमंत्री योगी नहीं, दूसरों का दुख समझने वाला होता है योगी, जो दूसरे का दुख अपना समझे वही होता है योगी। ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है, ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। बताओ ये मुख्यमंत्री योगी है कि नहीं है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राष्ट्रगान में गलती पर अब भाजपा के बाद कांग्रेस भी हमलावर। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले, राष्ट्रगान का सम्मान करना नहीं आता क्योंकि भतीजे का गाना ज्यादा गाती है ममता बनर्जी। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो जय महाराष्ट्र जय बंगाल जय भारत। और लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ स्टॉक मार्केट। गुरुवार को सेंसेक्स 776 अंकों की बढ़त के साथ 58,461 और निफ्टी 235 अंकों की बढ़त के साथ 17,402 पर बंद हुआ। एचडीएफसी के शेयर में 3.9% की बढ़त 2,808 रुपए पर पहुंची कीमत।